व्यूअर्स, मैं सुदीप आपको अपना चैनल सुदीप होममेड कुकिंग में स्वागत करता हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर पनीर। तो आलू मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ पर हमने पनीर ले लिया है, यहाँ पर है टमाटर पिसी हुई, यहाँ पर अदरक पिसी हुई, यहाँ पर है सारे खड़े मसाले, इलायची, दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता, और यहाँ पर है मटर और आलू। तो चलिए बनाते हैं आलू मटर पनीर। तेल गर्म हो गया है और अभी हम इसमें पनीर को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुका है और अभी हम उसको उतार लेंगे। तेल में हम लोग अभी खड़े मसाले को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तेल हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। मटर और आलू को भी मिला रहे हैं। हम सारे मसाले का एक घोल बना लेंगे। पहले मिर्ची डाल रहे हैं चम्मच, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, जीरा, और धनिया। गर्म पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे। करीब 2-3 मिनट तक हम लोगों ने पकाया है और अभी हम इसमें टमाटर पिसी हुई और अदरक पिसी हुई डाल रहे हैं। करीब और 4-5 मिनट तक पकाएंगे ऐसे। अभी हम इसमें मसाले का घोल ऐड करेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम में कुक कर रहे हैं। नमक ऐड कर रहे हैं। नमक अपना स्वाद अनुसार दीजिएगा। पानी ऐड कर रहे हैं ग्रेवी के लिए। करीब 5-10 मिनट तक पकाया था हमने। अभी हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे जो फ्राई करके रखा था, और कुछ समय तक होने देंगे। करीब 10 मिनट तक पकाने के बाद ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। और अभी हम इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करके और थोड़ी देर बाद उतार देंगे। क्रश करके दे रहे हैं ऐसे। बस ये हमारी रेसिपी बनके तैयार है। अभी हम इसको उतार रहे हैं। बस ये हमारा आलू मटर पनीर का रेसिपी बनकर तैयार है और मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपने हमारा प्रोसेस देखा है, जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।